करू आता करा तुम्ही कॉमेंट्री सुरू तर थैंक्स रॉकस्टार आरंभिक बल्लेबाज निश्चित रूप से भिंगारी क्रिकेट कुणाल आपकी आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर भेजिए प्लीज यू सेंड योर ओपनर बैट्समैन ऑन दी ग्राउंड बिल्कुल आपकी आरंभिक जोड़ी मैदान में भेजिए निश्चित रूप से तो मैच में मजा आएगा एक तरफ हम देख रहे हैं ये मैच खेला जा रहा है अष्टविनायक मारवी इलेवन भिंगार विपक्ष यहाँ पर खाडेकर इलेवन शरद स्मृति ट्रॉम्बे क्रिकेट टीम के बीच में ये मैच खेला जा रहा है भिंगारी क्रिकेट टीम के कप्तान कुणाल ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करना पसंद किया और बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाजी करना पसंद किया है और निश्चित रूप से फील्डिंग के लिए यहाँ पर ट्रॉम्बे क्रिकेट टीम को आमंत्रित किया है जल्द से जल्द फील्डिंग की रचना करें निश्चित रूप से खाडेकर इलेवन शरद स्मृति क्रिकेट टीम ट्रॉम्बे क्रिकेट टीम के कप्तान वक्त का बिल्कुल इंतजार वक्त का इंतजार नहीं किया जाता क्योंकि वक्त के हम मोहताज है वक्त किसी का मोहताज नहीं है वेलेला तुम्ही मात्र महत्व द्या टाइम अतिशय महत्वाचा असतो टाइम इज मनी ज्याला म्हटलं जातो की वेलेला तुम्ही खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या पैसा एवढं महत्व द्या खऱ्या अर्थाने टाइम खूप महत्वाचा आहे तर निश्चित स्वरूपात बोलूया सामन्याकडे सलामीर जोडी तर निश्चित रूप से रघु परदेशी भिंगारी क्रिकेट टीम को दिशा और गति देने का जिसके लिए क्रिकेटर ने यहाँ पर काम किया है एक नामचीन रायगढ़ के नामचीन का ऑलराउंडर खिलाड़ी रघु परदेशी का इस जमी के ऊपर आगमन हो चुका है रघु आपका हम शान और शौकत के साथ गौरी स्पोर्ट क्रिकेट कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं तो चलते हैं इस मैदान के ऊपर सभी तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम याद देना चाहेंगे कि ये मैच खेला जा रहा है अष्टविनायक का मारवी इलेवन भिंगारी विपक्ष खाडेकर इलेवन शरद स्मृति ट्रॉम्बे क्रिकेट टीम के बीच में मैच खेला जा रहा है और भिंगारी क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीतने के बावजूद पहले बल्लेबाजी करना पसंद किया है राखीव खेलाडू समालोचन कक्ष मध्ये पाठवायचे आहे भिंगारी क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी यू सेंड युअर एक्स्ट्रा प्लेयर ऑर कॉमेंट्री बॉक्स हॅज वेल हॅज 12th मॅन इन द कॉमेंट्री बॉक्स टू गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम्स ऑफ द क्रिकेट प्लेयर एंड विच कैन गिव हेल्प आवर स्कोरर ताकि हमारे स्कोरर को खिलाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है बिल्कुल होना जरूरी है मदद मिलनी चाहिए हेल्प आवर स्कोरर हमारे स्कोरर को मदद मिलनी चाहिए इसलिए आपका एक प्रतिनिधि एक्स्ट्रा प्लेयर प्रतिनिधि हमारे कॉमेंट्री कक्ष में भेजिए आरंभिक बल्लेबाज यहाँ पर निश्चित रूप से अष्टविनायक मारवी इलेवन भिंगारी क्रिकेट टीम की आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर स्ट्राइकर बल्लेबाज तर राखीव खेळाडू मात्र जर्सी अर्थात टी शर्ट असणं गरजेचं आहे पहिले ट्रॉम्बे इलेवन क्रिकेट टीम के दृष्टिकोन से आरंभिक गेंदबाज होंगे निश्चित रूप से खाडेकर इलेवन शरद स्मृति क्रिकेट टीम के आरंभिक गेंदबाज शुभम पाटिल और शुभम के गेंदबाजी का सामना करेंगे बल्लेबाज सूरज परदेशी गेंद हवा में हल्के हाथों से बिल्कुल कट करने का प्रयास किया था फर्स्ट लीग पे फील्डर ने कोई गलतियां नहीं की आसानी के साथ कैच को लपक लिया और इसी के साथ सूरज परदेशी की शून्य पर पारी यहां पर की समाप्त भिंगारी क्रिकेट टीम को सूरज के रूप में सूरज शून्य पर आउट होकर पैलेट में लौटते हुए और जो पहला विकेट का भिंगारी क्रिकेट टीम का जो विकेट का पतन हुआ फॉलो फर्स्ट विकेट ऑन विदाउट स्कोर यानी कि जीरो जीरो पर पहला विकेट का पतन हुआ सूरज आउट होने के बाद मैदान के अंदर यहां पर नए बल्लेबाज नौ स्ट्राइकर बल्लेबाज साहिल अभी मंदार ने हल्के हाथों से पुश करने की कोशिश की शॉट पाइले के रीजन में कोई रन लेने का मौका नहीं है बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन
एक बार हम यहाँ पर देख रहे हैं मंदार डावलेकर, जिनके पास क्षमता है, बड़े स्ट्रोक के लिए खिलाड़ी जाना जाता है, जिनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है निश्चित रूप से साहिल मिसाल। लेकिन शुभम का जिक्र होगा करना होगा, कमाल की गेंदबाजी ये देखिए, यहां पर गेंद बल्ले का अंधेरा हिस्सा लेकर गए, बिल्कुल यहां पर बल्ले का हिस्सा लेकर गई विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी के साथ निश्चित रूप से मंदार की पारी हुई शून्य पर समाप्त, यानी कि दूसरा विकेट निश्चित रूप से अष्टविनायक मारवी इलेवन भिंगारी क्रिकेट टीम का शून्य पर गिरता हुआ। था कि मंदार बिल्कुल निश्चित रूप से एक वन डाउन क्रिकेटर है, सबसे आक्रामक बल्लेबाज है, शून्य पर आउट होकर पहले में लौट रहे, तो तारीफ करने होगी सोमनाथ निश्चित रूप से। यहां पर खाडेकर इलेवन शरद स्मृति ट्रॉम्बे क्रिकेट टीम के गेंदबाज शुभम का जिक्र करना होगा, पूरी तरह से लेंथ लाइन और दिशा के ऊपर इस विकेट के ऊपर नियंत्रण रखते हुए आजादी नहीं दे रहे। जब पहला विकेट का उन्होंने पतन किया था, फॉलो अप फर्स्ट विकेट विदाउट स्कोर यानी कि शून्य पर आउट किया था आरंभिक बल्लेबाज को, उसके बाद में मंदार आए थे इनर नंबर थ्री नाम के इनेट नंबर थ्री बल्लेबाज मंदार को उन्होंने शून्य पर यहां पर विकेट कीपर द्वारा कैच आउट करके ये दूसरा करारा झटका दिया। एक बार फिर से यहां पर गेंदबाजी के लिए शुभम तैयार होंगे और सामना करेंगे बल्लेबाज कुणाल नाइक। कुणाल टीम के कप्तान है, सबसे हुनरी खिलाड़ी माना जाता है, सबसे हुनर खिलाड़ी। ये देखिए हल्के हाथों से गेंद को सम्मान दिया, यहां पर करीबी मामला भी हो सकता था, जोखिम भरा रन हो सकता था, लेकिन एक रन आया निश्चित रूप से। इसी एक रन की मदद से कुणाल नाइक अपने पारी की शुरुआत करते हुए कुणाल ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला। इसी एक रन की मदद से अष्टविनायक मारवी इलेवन भिंगारी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर 1, यानी कि आउट होने बल्लेबाज सूरज शून्य पर आउट हुए, उसके बाद में मंदार या फिर शून्य पर आउट हुए। अब बल्लेबाज ही के तैयार होंगे बल्लेबाज साहिल। साहिल मिसाल गेंद हवा में जरूर है, शॉट एक्स्ट्रा करके रीजन में फील्डर गेंद का पीछा करते हुए दूसरे की मांग, और यहां पर आसानी के साथ साहिल मिसाल दो रन पूरे करते हुए, दो रन के मदद से साहिल अपने पारी का श्रीगणेश करते हुए साहिल ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर आगे अग्रसर होता हुआ अष्टविनायक मारवी इलेवन भिंगारी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या इसी 2 रन की मदद से बन चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर 3। इस ओवर की अंतिम गेंद 1 to go, शुभम पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार। ये देखिए बैकफुट पर गए, जगह बनाई, जगह ढूंढी, गेंद गई सीधा डीप मिड विकेट रीजन में, लेकिन वहां पर बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, उससे बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अंपायर बराड़ी सर का इशारा आया, ओवर की हुई समाप्ति, एक सफल ओवर की हुई समाप्ति। एक ओवर के समाप्ति के बाद अष्टविनायक मारवी इलेवन भिंगारी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 5। मास्टर सूरज पहले ओवर की एक सफल ओवर की हुई समाप्ति, ये प्रतियोगिता हम देख रहे हैं गौरी स्पोर्ट क्रिकेट क्लब नेवली इनके माध्यम से, और नेवली ग्राम पंचायत की पंचायत के विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य गौरी स्पोर्ट के कप्तान राजेश शेठ काथारा, जिनके कल्पक और कुशल नेतृत्व में यह प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई है निश्चित रूप से। और इस प्रतियोगिता का आज का 5वां दिन है, और 5वें दिन में हम देख रहे दोस्तों एक बिग फाइट दोनों टीमों के बीच में, एक रायगढ़ की ताकतवर टीम एक देख रही है, तो एक तरफ हम ट्रॉम्बे 11 क्रिकेट टीम देख रहे, बिल्कुल खाडेकर 11 शरद स्मृति ट्रॉम्बे क्रिकेट टीम, एक तरफ हम देख रहे अष्टविनायक मारवी 11 भिंगारी क्रिकेट टीम। तो दुर्वाले चोर से गेंदबाजी में यहां पर तब्दीली होती हुई, नए गेंदबाज देविदास कोहली, सबसे अनुभवी खिलाड़ी देविदास गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे, सामना करेंगे आक्रामक बल्लेबाज कप्तान कुणाल नाइक। ये देखिए इस बार भी सिर्फ दिशा दी गेंद जा रही है, मिडॉन के रीजन में वहां पर फील्डर तैनात है, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील करे तब तक दोनों बल्लेबाज साहिल और कुणाल के पास एक रन लेने का
पर्याप्त समय मिला, एक रन प्राप्त हुआ, इस एक रन की मदद से कुणाल पहुंच रहे दो पर। टीम की रन संख्या आगे यहाँ पर आगे बढ़ती हुई, अष्टविनायक मारवी इलेवन भिंगारी क्रिकेट टीम की दो विकेटों के नुकसान पर छह। आप खेलने के लिए तैयार है साहिल, साहिल निश्चित रूप से आरंभिक बल्लेबाज है। साहिल मिसाल खेल रहे, अभिजीत चार पर खेल रहे, दो गेंदों का सामना। ये गेंद हवा में जरूर है, बिल्कुल गेंद पहुंच में नहीं है, फॉलोदर के रीजन में फील्डर वहां पर तैनात है। संगा बिल्कुल दूसरा रन दोनों बल्लेबाज मुकम्मल करते हुए इसी दो रन की मदद से भिंगारी क्रिकेट टीम के रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई दो विकेटों के नुकसान पर निश्चित रूप से आठ रन, यानी कि पहला विकेट का पतन होता, फॉलो अप फर्स्ट विकेट ऑन जीरो, फॉलो अप सेकेंड विकेट ऑन जीरो, लेकिन तीसरे विकेट के लिए कुणाल और साहिल के बीच में शानदार अभिजीत आठ रनों की साझेदारी बनती हुई। ये देखिए टर्मिनेटर गेंदबाज कमाल, शानदार गेंदबाजी है। देवीदास कोहली का जिक्र करना होगा, धीमी गेंद फेंकी थी, आगे निकाल कर खेलने की कोशिश की थी, डिसाइड किया था बल्लेबाज ने, दो कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन नाकाम रहे बल्लेबाज साहिल मिसाल। ये देखिए आप सक्सेस मिला, गेंद को सीधा फेंक दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, गेंद गई सीधा छह रनों के लिए। मास्टर और इसी छक्के के साथ अष्टविनायक मारवी इलेवन भिंगारी क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छलांग मारता हुआ दो विकेटों के नुकसान पर चौदह। कमाल का स्ट्रोक खेला, छोटा तीर एक कम, बिल्कुल कद उनका छोटा है, लंबाई कम है, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि छोटा तीर घाव करे गंभीर, छोटे कद का दायरा इंसान एक के मन से टकरा जाता है, उसी पूरी तरह से गेंद टकरा गई थी ये साहिल के बल्ले के रडार में और सीधा गेंद को फेंक दिया था मिड विकेट के रीजन में छह रनों के लिए। ये देखिए हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोशिश, बिल्कुल लॉन्ग रन के रीजन में फील्डर, लौटना पड़ेगा साहिल मिसाल को, और इसी के साथ बिग विकेट एक महत्वपूर्ण विकेट का पतन हुआ, तीसरा झटका मिलता हुआ भिंगारी इलेवन क्रिकेट टीम को चौदह रन के भीतर। या दरम्यान आरसीसी पेठ संघाचा संघनायक आणि डवळेपाडा संघाचा संघनायक तुम्हाला ऑफिशियली पहिला कॉल असेल, मित्रांनो लगेच या आरसीसी पेठ संघाचा संघनायक आणि डवळेपाडा संघाचा संघनायक टॉस साठी यायचे। तर यहां पर निश्चित रूप से साहिल मिसाइल की पारी हुई समाप्त, यानी कि 12 रनों का योगदान दिया, एक छक्का जरूर दागा। साहिल आउट होने के बाद भिंगारी इलेवन क्रिकेट टीम हॉप ऑफ, भिंगारी क्रिकेट टीम यानी भिंगारी क्रिकेट टीम के केंद्र बिंदु आशा स्थान माने जाते हैं बल्लेबाजी या गेंदबाजी के दृष्टिकोण से। ऑलराउंडर रघु परदेशी मैदान के अंदर, ये कुणाल की ये पहचान है दोस्तों, जब बिल्कुल जैसे गेंद रडार में आई उसके ऊपर मोर लगाई, गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर छह रनों के लिए। और की हुई समाप्ति, आखिरी गेंद के ऊपर क्या दमदार स्वागत किया देवीदास का, कुणाल नायक ने छक्के के साथ स्वागत किया और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है अष्टविनायक मारवी इलेवन भिंगारी क्रिकेट टीम की रन संख्या तीन विकेटों के नुकसान पर 20। और इस ओर की बात करें तो देवीदास काफी महंगे गेंदबाज साबित हो चुकी है, निश्चित रूप से खाड़ेकर इलेवन शहर स्मृति ट्रॉम्बे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से देवीदास कोहली का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, एक ओवर 15 रन और निश्चित रूप से एकमात्र सफलता। और यहां पर हम देख रहे गौरी चषक पर्व है, निश्चित रूप से 21 का ये पर्व देख रहे निश्चित रूप से, और यहाँ के बिल्कुल इस प्रतियोगिता के प्रणत है विद्यमान हैट्रिक ग्राम पंचायत सदस्य राजेश शेठ काथारा, और निश्चित रूप से उनके सभी गौरी स्पोर्ट के सभी हमारे खिलाड़ी जिन्होंने काफी मेहनत उठाए दोस्तों, और उनकी मेहनत आज पूरी तरह से रंग ला चुकी है निश्चित रूप से। कमाल की प्रतियोगिता इस मैदान के ऊपर हम देख रहे हैं, और दूर वाले चोर से यहाँ पर गेंदबाजी में तब्दीली होती, यहाँ पर परिवर्तन है गेंदबाज से, अमित कोहली गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे जो रायगढ़ के एक स्टार क्रिकेटर रघु परदेशी। अमित गेंदबाजी के लिए तैयार,
ये देखिए बिल्कुल दिशा में परिवर्तन, बल्ले में परिवर्तन करना चाहते थे, दिशा में परिवर्तन, जिस दिशा में खेलना चाहते थे, बिल्कुल गेंद टप्पा खाने के पहले अंदर रिवर्स स्वीप शॉट अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। डॉट गेंद की भी समाप्ति। आमित रघु परदेश ने बिल्कुल करारा स्ट्रोक जरूर खेला है। मिड ऑफ के डिसीजन में गेंद जाते हुए फील्डर वहां पर तैनात थे। एक रन जरूर मिलेगा इससे, एक रन की मदद से रघु अपने पारी की शुरुआत करते हुए और टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे यहां पर पहुंचता हुआ 21 पर अष्टविनायक मारवी 11 भिंगारी क्रिकेट टीम। ये मैच खेला जा रहा है निश्चित रूप से अष्टविनायक मारवी 11 भिंगारी क्रिकेट टीम विपक्ष खाडेकर 11 शरद स्मृति ट्रॉम्बे के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमें ताकतवर टीमें, बिल्कुल इतने बड़े प्रतियोगिता में ये दोनों टीमें बिल्कुल अपनी बाजी हारना नहीं चाहेगी, ये दायित्व ये इरादे के साथ गौरी प्रतियोगिता में बिल्कुल इस ट्रॉफी में इस विकेट के ऊपर उतरी है। मैदान के अंदर जीतना चाहती है दोनों टीमें, लेकिन एक टीम मात्र जीतेगी। ये देखिए बैकफुट गए, जगह बनाई निश्चित रूप से, सिंगल्स के ऊपर लक्ष्य केंद्रित किया कुणाल ने, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है इससे। एक रन की मदद से यहां पर निश्चित रूप से अष्टविनायक मारवी 11 भिंगारी क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी है 3 विकेटों के नुकसान पर 22, कम से कम यहां पर 40 से 50 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम, 45 से 50 रन, तो इस विकेट के ऊपर जरूर मजा आएगा। आज इस विकेट के ऊपर गेंदबाजों का ज्यादा बोलबाला चला है। ये देखिए रिवर्स स्वीप शॉट अटेम्प्ट करने की कोशिश, गेंद फाइनली की रिजन में गेंद जाती हुई और कमाल का एफर्ट है फील्डिंग के माध्यम से और एक रन पर मात्र यहां पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। कमाल की फील्डिंग, शानदार फील्डिंग की, एक रन मिला और इसी एक रन के मदद से भिंगारी 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है निश्चित रूप से 3 विकेटों के नुकसान पर 23 यानी कि 23 3 विकेटों के नुकसान पर। आप कुणाल ये निश्चित रूप से सोमनाथ यदि बात करें दोनों टीमों के दोनों बल्लेबाजों के बीच में तालमेल नजर नहीं आया दौड़ने की, यदि रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करें यहां पर आसानी के साथ 2 रन बना सकते थे लेकिन नाकाम रही, श्रेय देना होगा फील्डर को। ये देखिए इस बार बिल्कुल बल्ले का पेस जरूर खोला है, बैकफुट पर गए थे, जगह बनाकर खेले लॉन्ग रन के रीजन में, वहां पर फील्डर तैनात है। शुभम ने बिल्कुल शानदार फील्डिंग की लेकिन शुभम जब तक फील्ड करे, गेंद उठाए, थ्रो करे तब तक एक रन लेने का मौका मिला। यहां पर अष्टविनायक मारवी 11 भिंगारी क्रिकेट टीम के दोनों बल्लेबाज के पास टीम की रन संख्या बनी भिंगारी क्रिकेट टीम की 4-3 विकेटों के नुकसान पर 24। अमित एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए अमित तैयार होंगे। लो फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए रघु परदेशी, नाकाम रहे डीप मिड विकेट रीजन में कैच आउट होकर पहले में लौट रहे और ये मिडल ऑर्डर का सबसे करारा झटका होगा अष्टविनायक मारवी 11 भिंगार क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से, यानी कि रघु सस्ते में आउट होकर लौट रहे हैं।
और ये पांचवा विकेट यहाँ पर अष्टविनायक मारवी इलेवन भिंगारी क्रिकेट टीम का पांचवा विकेट 24 रन के भीतर आउट होकर पैन में लौट रहे। निश्चित रूप से गेंदबाजी अच्छी हो रही, लेकिन जहां तक सवाल है अभी भी ये मैच खेला जा रहा है। निश्चित रूप से चार ओवर का मैच खेला जा रहा है, कुछ शेष गेंदें बची है, लेकिन जहां तक सवाल है कप्तान कुणाल नाइक के बल्लेबाजी का, क्योंकि ये एग्रेसर बल्लेबाज है, अटैकिंग क्रिकेटर है, जिनके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की। ये देखिए क्षमता, ये गेंद को सीधा फेंक दिया लॉन्गन सीमा रेखा के बाहर, दर्शकों का अभिवादन स्वीकारता हूं। 6 रन। के साथ यहां पर अष्टविनायक मारवी इलेवन भिंगारी क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 4 विकेटों के नुकसान पर 30। मैंने पहले कहा था और कुणाल ने इस विकेट के ऊपर साबित करके दिखाया कि उनकी सोच, उनके इरादे और उनकी मानसिकता बिल्कुल उनके नाम की तरह है। बल्लेबाजी में अच्छा फुटवर्क नजर आता और टाइम बिल्कुल जो टेम्परामेंट काबिल तारीफ है, जैसे गेंद रडार में आई स्वागत किया छक्के के साथ। यह गेंद और इस बार गेंद हवा में जरूर है, गेंद के नीचे फील्डर, ये देखिए कमाल का एफर्ट और इसी के साथ कुणाल नाइक की पारी हुई समाप्त। चार रन की मदद से जगदीश परदेशी अपने पारी की शुरुआत करते हुए, जगदीश ने अपना खाता खोला, टीम की रन संख्या बनी निश्चित रूप से 34 भिंगारी 11 क्रिकेट टीम की 6 विकेटों के नुकसान पर, और इस ओवर की अंतिम गेंद बची है दिनेश पाटिल की। यह गेंद हवा में है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, डाउन द फील्डर, लेकिन बिल्कुल रनआउट का मौका जरूर, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को निश्चित रूप से। तीसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे थे, रन आउट हुए, 2 रन प्राप्त हुए, इसी के साथ अंपायर का इशारा आया, ओवर की हुई समाप्ति, एक निश्चित रूप से महंगे ओवर की हुई समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अष्टविनायक मारवी 11 भिंगारी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बनी है 7 विकेटों के नुकसान पर, 6 विकेट के नुकसान पर, 7 विकेट के नुकसान पर निश्चित रूप से 36 यानी कि 36 जीतने के लिए 37 रनों का लक्ष्य होगा। निश्चित रूप से खाडेकर 11 शरद स्मृति ट्रॉम्बे क्रिकेट टीम के सामने 4 ओवर में निश्चित रूप से 37 रनों का लक्ष्य होगा, और उसी लक्ष्य का किस तरह पीछा करते ट्रॉम्बे 11 क्रिकेट टीम के बल्लेबाज, निश्चित रूप से भिंगार 11 क्रिकेट भिंगारी क्रिकेट टीम के गेंदबाज उन्हें रोकते, उसी का 4 ओवर का आगे का आंखों देखा सुनाने चलते हमारे साथी कॉमेंटेटर रॉक स्टार प्रवीण गायकर के पास चलते। के लिए जाईल बघा, पुढची बिग फाइट असणार आहे ढवलेपाडा विपक्ष
इथे पेठ आरसीसी पेठ क्रिकेट संघाला आम्ही आमंत्रित करतो. यावं आमचे मित्र गणेश जोशी साहेबांचं आम्ही पुन्हा एकदा स्वागत करू. तरी यायच्या बघा पेठ विपक्ष ढवलेपाडा दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावं. नाणेफेकी ती केली जाणार आहे आणि प्रत्येक सामना हा चार षटकांचा असणार आहे असे आमचे आयोजक राजेश काथार यांच्याकडून सूचित करण्यात आलेले आहे. इथे विठ्ठल काथारा नेवाली गावचे शांततेचे प्रतीक विठ्ठल काथारा यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकी ती केली जाईल. बिग फाईट एक ढवलेपाडा क्रिकेट संघ आपण खऱ्या अर्थाने पाहतो. कल्याण ग्रामीणमधला खऱ्या अर्थाने अंबरनाथ असेल की कल्याण ग्रामीण त्या भागामध्ये अतिशय नामवंत क्रिकेट संघ ते एका बाजूला पनवेल तालुक्यातील नामवंत संघ. बघूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो. नाणेफेकीचा कौल ढवलेपाडा क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. दोन्ही क्रिकेट संघाला प्रथमतः गौरीस्पोर क्रिकेट संघाच्या वतीने आम्ही शुभेच्छा देतो. आमचे आयोजक राजेश काथारे यांच्या वतीने शुभेच्छा. तर संघनायक तुम्ही नाणेफेक जिंकलेले आहात ढवलेपाडा क्रिकेट संघ, प्रथमतः आपण कोणत्या निर्णयाला इथे पसंती देणार? विचारून सांगतोय. यदा कदाचित तुम्ही जर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला तर समोर आपण पाहतो बंटीचा संघ अतिशय ताकदवर फलंदाजीचा भांडणा असणारा पेठ क्रिकेट संघ पाहतो. तर सामना चार षटकांचा असेल, चार षटकामध्ये किती धावणं रोखण्याचा तुमचा त्यांना प्रयत्न असणार आहे? टीम तर खूपच मोठी आहे कारण की आम्हीची मागत मॅच झाली तर ती पण आम्ही त्याच्यामध्ये जिंकलो म्हणून तर आता प्रयत्न करू आम्ही कमीत कमी 40 ते 45 पर्यंत रोखण्याचा. जर तुम्ही फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला किती धावा बनवण्याचा तुमचा मनस असेल या विकेटवर? 50-55 पर्यंत जायचा प्रयत्न करू. एकंदरीत आयोजनाबद्दल काय सांगाल? कारण ही स्पर्धा मानाची क्रिकेट स्पर्धा आहे. आमचे मित्र राजेश काथारे यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेली क्रिकेट स्पर्धा, गौरीस्पोर्टच्या सर्व खेळाडूंच्या मार्फत ही स्पर्धा खेळली जात आहे. एकंदरीत आयोजनाबद्दल काय सांगाल? आयोजन तर खूपच चांगलं आहे कारण की आम्हाला इथं खेळायची संधी मिळाली. खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. तर दोन्ही क्रिकेट संघाला मी इथे शुभेच्छा देतो. आमचे मित्र तुषार मस्कर सर ढवलेपाडा क्रिकेट संघाचे बिग समर्थक, मोठे पॅकर्स म्हणून ओळखले जातात मित्रांनो रायगड ठाण्यामध्ये, ज्यांचा आम्ही सातत्याने आदर करतो. तर आपलं स्वागत. तर पुढच्या सत्रासाठी वळणार आमचे रॉक स्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे. थँक्यू महागुरु. चलते मुकाबले की तरफ. यहाँ पर जीतने के लिए बात करेंगे. 37 रनों का टारगेट है. पिछले तीन मुकाबले आपने देखे, तीन मुकाबले में सिर्फ 40 रन बने थे और सभी मुकाबले अंतिम गेंद तक बने थे. और यहाँ पर वो भिंगारी टीम फिर से एक बार, क्या इन 37 रनों को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? सलामी बल्लेबाज अनिल भोईर और उनका साथ देंगे अनिल कोहली और दिनेश पाटिल. ये प्रारंभिक जोड़ी, पहली बॉल अपील हुई थी अंपायर की तरफ लेकिन इस अपील को खारिज करते हुए अंपायर डॉट बॉल की समाप्ति. इतना सहज नहीं होगा क्योंकि चार ओवर में 40 इस पिच कंडीशन अगर देखेंगे तो जबरदस्त यहां पर गेंदबाजों का बोलबाला रह चुका है. फुल टॉस बॉल थी, स्वीप करने की कोशिश, मामला बन सकता था यदि एक ही एक्शन में गेंद को पकड़ सकते लेकिन यहां पर खुश नसीब रहे खिलाड़ी और बिल्कुल यहां पर एक रन कंप्लीट होता हुआ. सर तुषार शेट मस्कर इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे. अर्नव स्पोर्ट्स जय हनुमान 11 ढवलेपाड़ा विपक्ष आरसीसी पेट के बीच ये बड़ा मैच आपके सामने पेश होगा. एक रनों के साथ यहां पर खाता खोलती हुई खाड़ेकर सरस्वती 11 ट्रॉम्बे टीम बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर. रघु परदेशी का ओवर, कुणाल नाइक का ओवर, उसके बाद आशीष परदेशी का ओवर, ये बहुत निर्णायक होंगे इस मैच में. ट्रॉम्बे टीम की चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर आज गेंदबाजी अच्छी रही. लोवर फुल टॉस बॉल जिसे स्वीप कर दिया बैट्समैन ने, पॉइंट के ऊपर से गेंद सीमा पार जाती हुई, 4 रन. तो बिल्कुल यहां पर शानदार चौका बटोरते हुए और इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल पहुंचा दिया 5 रनों के ऊपर. पावर प्ले का ये ओवर इंपॉर्टेंट होगा बैटिंग करने वाली टीम ट्रॉम्बे के लिए और उसी हिसाब से यहां पर स्ट्राइक जैसे रोटेट हुई और वैसे दिनेश के पास स्ट्राइक गई. दिनेश ने अपने पारी का आगाज करते हुए खाता खोला 4 रनों के साथ. जानते हैं लेग कटर बॉलर है, इसे ज्यादा से ज्यादा रिवर्स शॉट्स खेलना पसंद करते हैं. इससे पहले देखेंगे ट्रॉम्बे की गेंदबाजी, वो भी आपको कटर गेंदबाजी यानी कि स्पिन अटैक ज्यादा देखने को मिला और यहां पर भी शुरुआत स्पिन से करते हुए क्रॉस बैटेड फिर से एक बार यहां पर रिवर शॉट्स का प्रयास किया था बल्लेबाज ने लेकिन एक रन मुकम्मल. थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई, उसका फायदा बल्लेबाज ने लिया. ये होता है सेंसिबल क्रिकेट. ना खुश होंगे रघु परदेशी अपने इस खिलाड़ी से क्योंकि जिस तरीके से यहां पर एक ही रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन मुकम्मल किए तेजी के साथ बल्लेबाजों ने और एक एक 2-2 रनों की कीमत क्या होती है ये बेहतर जानती है अष्टविनायक मारवी 11 भिंगारी टीम.
दो रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं यहां पर 7 रनों के ऊपर 9.25 की औसत से ये रिक्वायर्ड रन रेट है। और ऐसे हालातों में बात करेंगे 30 रनों की अभी भी जरूरत है। इनफील्ड के ऊपर से यहां पर शॉट को खेला है फील्डर दौड़ते हुए गेंद को रोकने के लिए, लेकिन अच्छी फील्डिंग होती हुई तब तक 2 रन आसानी के साथ बल्लेबाजों ने यहां पर चुरा लिए। तीसरे की कोशिश हो रही थी, अगर रिस्की भी होता था रन पूरी भी हो सकती थी, लेकिन समय पर यहां पर मना कर दिया साथी पार्टनर अनिल ने। और यकीनन यहां पर फिर से एक बार 2 रन बनाते हुए और इन 2 रनों की मदद से दिनेश पाटिल व्यक्तिगत पहुंचे 8 रनों के ऊपर। और अनिल कोहली के बल्लेबाजी का विश्लेषण है, 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रनों के ऊपर तेज बॉल फेंकी थी, राउंड द विकेट से आए थे, विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती हुई, अगर गेंद को पकड़ते तो ये स्टंपिंग का चांस बन सकता था, लेकिन फिर भी सफल ओवर की समाप्ति। पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर खाड़ेकर शरद स्मृति ट्रॉम्बे टीम की रन संख्या है 9 रन बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 18 गेंदें बची है, 28 रनों की आवश्यकता। स्क्रीनवर तुम्ही फॉर्च्युन इव्हेंटच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा पाहू शकाल। खऱ्या अर्थानं राजेश कातारे यांनी साकारले स्वप्न होते की स्पर्धा आम्ही किती जरी पाऊस पडला तरी मात्र ही स्पर्धा आम्ही थांबवणार नाही, सुरळीतरित्या ही स्पर्धा तुम्हाला पार पाडायला मिळते। अवकाळी पडलेल्या पावसामुळे कुठेतरी संघांची थोडीशी धावपळ, आयोजकांची तारांबळ, जिथे जिथे मॅच सुद्धा पुढे गेल्या त्याच्यानंतर संघांना देखील मॅनेज करावं लागलं, परंतु हिम्मत हारीने राजेश कातारे आणि ग्रामस्थ मंडळ नेवाली आणि गौरी स्पोर्ट्स नेवाली सर्व खेळाडूंनी घेतलेली ही मेहनत तुम्ही नक्कीच पाहू शकाल। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ, 18 गेंदों में 28 रनों की अभी भी जरूरत है। और ऐसे हालातों में खुशी की बात ये होगी खाड़ेकर ट्रॉम्बे 11 सरस्वती ट्रॉम्बे टीम के लिए कि जिस तरीके से यहां पर विकेट उनके सुरक्षित है। और गेंदबाजी की अगर बात करेंगे, रघु परदेशी ने बेहतर मारा किया पावर प्ले के ओवर में, कुणाल नाइक तैयार तेज बॉलर है, अनसाइड में खेला हुआ स्ट्रोक, मिड विकेट और कव कॉर्नर के बीच में से गेंद जाती हुई बेहतरीन फील्डिंग होती हुई 1 रन तेजी के साथ पूरा कर दिया। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर टोटल आप देख सकते हैं 10 रनों के ऊपर, 27 रनों की अभी भी आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन पहुंचे यहां पर आप देख सकते हैं दिनेश पाटिल, अनिल कोहली नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज उनका साथ देते हुए ओवर द विकेट इस बार आए थे। हाफ ट्रैकर की ये बॉल थी, बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से खेल दिया इस गेंद को कुणाल नाइक के गेंदबाजी के ऊपर, ये कड़ा प्रहार गेंद सीमा पर 6 रन। टीम खेलेगी इस मैदान के ऊपर, खास करके ढवलेपाड़ा टीम के बिग समर्थक चेतन केवने इनके ओर से इस टूर्नामेंट को और ढवलेपाड़ा टीम को शुभकामना आ चुकी है, उनका भी हम तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मैच यहां पर अब चर्चा करेंगे 15 गेंदों में जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। और ऐसे हालातों में अगर बात करेंगे ना महागुरु, तो बिल्कुल अगर इन 3 गेंदों के ऊपर सक्सेस रहते कुणाल तो आखिर के 12 गेंदों में 20 में मजा आएगा, लेकिन इतनी सहजता से ये मुकाबला छोड़ने के लिए विवश नहीं होगी भिंगारी माफ कीजिएगा ट्रॉम्बे 11 टीम। लेकिन जिनकी स्ट्रेंथ गेंदबाजी है वो मात्र यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर नजर आती हुई, मार मिली जरूर है लेकिन यहाँ पर कमबैक करना चाहते हैं कुणाल नाइक। ओम साई बंगारपाड़ा टीम की ओर से व्यावसायिक क्रिकेट खेलते तालुका हाफ टूर्नामेंट में, और आज
अपनी एक ग्रामीण की टूर्नामेंट खेलते हुए देखिए, जब आप जबरदस्त देते हुए डॉट बॉल की यहां पर हुई समाप्ति, अब गेंदे बची है 14 और जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता, कम से कम 4 ओवर का मुकाबला है। यहां पर 40-45 का टारगेट सेट करना जरूरी होता है, लेकिन 37 रनों का टारगेट है यहां पर, और उसी टारगेट को बचाने के लिए यहां पर उतरी हुई भिंगारी टीम मात्र संघर्ष करती हुई ओवर द विकेट से। फुल टॉस बॉल खराब है, गैप में भी जाएगी, फ्लाइटेड स्ट्रोक, अंपायर का इशारा आएगा, गेंद सीमा पर, ये निर्णायक छक्का, बैट्समैन आप देख सकते हैं हेमंत पाटिल के बल्ले से 6 रन। बिल्कुल यहां पर 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, टोटल आप देख सकते हैं 23 रनों के ऊपर, जीतने के लिए 13 गेंदे और 14 रनों की आवश्यकता। इस बार उठाने की कोशिश थी, पॉइंट के ऊपर से खेला है, डीप कवर पॉइंट में फील्डर तेजी के साथ आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए, एक महंगे ओवर की हुई समाप्ति, और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद खाड़ेकर शरद स्मृति 11 ट्रॉम्बे टीम का स्कोर है टोटल 25 जीतने के लिए। अब बात करेंगे, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 12 रनों की आवश्यकता। बैट्समैन भी है और लेफ्ट हैंडर बॉलर भी है, और यहां पर देखिए जरूरत है एक अच्छे ओवर की भिंगारी 11 टीम के लिए। लेकिन अच्छा क्रिकेट अब तक ट्रॉम्बे 11 टीम ने, भले यहां पर अनिल कोहली का विकेट सस्ते में लौटा हो, पारी को संभालने का काम यहां पर करते हुए जोरदार अपील हुई थी, लेकिन तेज बॉल डालने की कोशिश थी, राइट हैंड बॉलर है, माफ कीजिएगा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन यहां पर एक रन तेजी के साथ पूरा करते हुए, और इसे एक रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं 26 रनों के ऊपर। रन और गेंद का अगर विचार करेंगे तो प्रति गेंद के ऊपर सिंगल भी बना पाती है तो मैच सहज होगा, लेकिन जब ऐसे सिचुएशन में जी ये मैच होते हैं ना वो काफी खतरनाक होते हैं। बल्ले को दिशा दी, यहां पर स्वीप किया, गेंद को जाती हुई फाइन लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। नंबर गिरता हुआ दूसरा एंड मोमेंट मैच को यहां पर थोड़ी सी वापसी करने की कोशिश होती हुई गेंदबाज आशीष की ओर से, और इसी के साथ ये दूसरा विकेट मैदान छोड़ता हुआ ट्रॉम्बे टीम का। मैं निकला चेतन कोहली, यानी कि दोनों भाइयों की जोड़ी इस मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं, अनिल कोहली और चेतन कोहली, ये दोनों भाइयों की जोड़ी। दिनेश पाटिल आउट हो चुके, जिस बल्लेबाज ने एक छक्का दागा था, उसके बाद हेमंत के बल्ले से एक छक्का आया था, यानी कि यहां पर अब 8 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। कंपलसरी चेस ये इस टूर्नामेंट का नियम है, और ऐसे हालातों में चर्चा करेंगे थोड़ी सी राहत की सांस यहां पर देते हुए। आशीष इस बार तेज बॉल डाली थी अलोंग द कारपेट, मिड विकेट में गेंद जा रही है, एक रन तेजी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, और इसी एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं
31 रनों के ऊपर जीतने के लिए अब जरूरत है। आने वाली 7 गेंदे 6 रनों की आवश्यकता। सोचो कुणाल नाइक का वो ओवर अगर 16 रनों का नहीं होता तो मैच में थोड़ा सा और मजा और रोमांच यहां पर गेंदबाज दिखा सकते थे, लेकिन फिर भी ये मैच है। अभी तक कौन सी टीम जीती नहीं और कोई भी टीम हारी नहीं है जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाएगी। तो सिंगल बटोरा, सिंगल के साथ ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 32 रन। जीतने के लिए अब 6 गेंदे और 5 रनों की आवश्यकता ट्रॉम्बे 11 टीम के लिए। तो बिल्कुल 6 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता। इससे पहले चर्चा करेंगे खेल की जब शुरुआत हुई थी तो वहां पर जासी बना मुसर्री के बीच में मुकाबला खेला गया था। आकर के 3 गेंदों में 8 रनों की दरकरार थी। एंड मूवमेंट पर बल्लेबाज छक्का जरूर धागा था राहुल ने, और उसके बाद 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता थी, मात्र वो 2 रन राहुल को नहीं निकले थे और वहां पर मैच हारी थी गावदेवी 11 उसरली टीम। उसके बाद अकुरली विपक्ष खुटारी का मैच आपने 18 गेंदों में 20 देखा, 2 ओवर टाइट फेंके, सिर्फ 1-1 रन मिला और 1 ओवर में 16 रनों की आवश्यकता, वहां पर अकुरली टीम मुकाबला हारी। उसके बाद आपने मुकाबला देखा होगा जिस तरीके से दातिवली टीम ने शानदार कमबैक किया, जबरदस्त गेंदबाजी की, 12 गेंदों में 20 रन बचाए। उसके बाद जासी टीम ने फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी करते हुए मुकाबले जीते। सिर्फ 3-4 मुकाबले छोड़ के अगर चर्चा करेंगे ना तो किसी भी टीम को ज्यादा रन नहीं देखने को मिले इस मैदान के ऊपर, सिर्फ 4-5 मुकाबले में ही 70 का आंकड़ा छुआ था टीमों ने। पाली टीम ने वो रन बनाए थे, जय बापदेव 11 पाली 91 रन बनाए थे। वही थोड़े से मैच छोड़ के अगर चर्चा करेंगे वहां रन बने थे, लेकिन बाकी के मैचों में 50 के भीतर 5 ओवर में कोई टीम ज्यादा तक पहुंची नहीं। इस बार हवा में गेंद है, मौका बन सकता था, लेकिन यहां पर रघु परदेसी अपने आप को नहीं रोक पाए और इसी के साथ गेंद जाती हुई सीमा पार, 4 रन, स्कोर इस लेवल। कैच अगर पकड़ते, मुश्किल था जरूर लेकिन प्रयास तो अच्छा था, लेकिन पहुंच से दूर हुआ वही कैच और यहां पर एक आसान सा चौका बटोरती हुई ट्रॉम्बे 11 टीम। 1 रनों की मैच आवश्यकता। इसके बाद दोस्तों कहीं मत जाइए, बड़ा मैच आपके सामने पेश होगा। आरसीसी पेट विपक्ष डवलेपाड़ा के बीच में, लेकिन यहां पर देखिए डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। शायद कहीं ना कहीं ये 5 रन भी है ना आखिरी ओवर में मैच में मजा ला सकता था, शायद वो चौका अगर रोक सकते थे, लेकिन फिर भी भिंगारी टीम ने देखिए आखिर के क्षणों तक शानदार क्रिकेट खेलते हुए, क्योंकि हमने पहले भी कहा था आज के सभी मुकाबले कोई भी टीम 45 के ऊपर नहीं गई। एक ने 41 बनाए थे, एक ने 40 बनाए थे, एक ने 37 बनाए थे और यहाँ पर 36 बनते हुए और उसी लक्ष्य का पीछा करते हुए हर एक टीम को आखिरी ओवर तक जाना पड़ा और यहाँ पर भी आखिरी ओवर तक जा रही है। अब 3 गेंदे 1 रनों की आवश्यकता, क्या करिश्मा कर पाएगी, कोई चमत्कार ही होगा जहां पर भिंगारी टीम को इस मुकाबले में बचा सकती है, वरना यहां पर जो इनका सपना था इस टूर्नामेंट में वो सपना मात्र पूरी तरीके से चकनाचूर हो सकता है। हिम्मत हारी नहीं कुणाल नाइक के एक ओवर में 16, जो टीम के मेन खिलाड़ी है और शायद उनकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है भिंगारी टीम को, क्योंकि 16 रन खर्च किए इन्होंने, उम्मीद नहीं थी उनसे कि इतने रन सारे खर्च करें और यहां पर उसका फायदा मिला पूरी तरीके से ट्रॉम्बे 11 टीम को। टारगेट बनाया था कुणाल को, लेकिन देखते हैं 3 बॉल 1 रनों की आवश्यकता, क्या रोकने में समर्थ हो पाएंगे। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज है यहां पर साहिल, तैयार होते हुए बॉलिंग मार्ग के ऊपर। इस बार भी स्वीप करने की कोशिश, रन लेना चाहते हैं, लेकिन यहां पर मुकाबला जीता भिंगारी, माफ कीजिएगा ट्रॉम्बे 11 टीम ने। हार्दिक अभिनंदन, अच्छा क्रिकेट खेला यहां पर भिंगारी टीम ने, लेकिन आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। तर या सामन्याचा सामनावीर तुम्ही पाहू शकाल, ज्याने पहिल्याच पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जबरदस्त गोलंदाजी केली, फक्त 5 धावा दिल्या आणि 2 फलंदाजांना तंबूचा आसरा दाखवला, तो खेळाडू ठरला या सामन्याचा सामनावीर।
शुभम प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट युअर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी. तर जबरदस्त इथे खेल पाहायला मिळाला. खऱ्या अर्थाने जर चौकार आला नसता तर तिथे ही मॅच मात्र तुम्हाला नक्की. परंतु हार्ड लक टीम भिंगारी, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट गेम नेक्स्ट टूर्नामेंट साठी. तर निश्चित स्वरूपात अष्टविनायक मारबी इलेवन भिंगारी क्रिकेट संघाने स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला. तुमचा मनपूर्वक आम्ही ती आभार व्यक्त करतो. आणि इथे खाडेकर इलेवन शरद स्मृती ट्रॉम्बे क्रिकेट संघाचं मनपूर्वक अभिनंदन. तर मान्यवरांच्या शुभ हस्ते तुषार मस्कर साहेब, तुषार मस्कर साहेब यावं आपल्या शुभ हस्ते. मान्यवर या खऱ्या अर्थाने नात्याने आपल्या शुभ हस्ते शुभमला सामनावीराचं, शुभम पाटीलला सामनावीराचं पारितोषिक देऊन इथे सन्मानित केलं जाईल. खऱ्या अर्थाने आपण इथे पाहतो.